दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर। कोरोना के महासंकट के बीच नाग मंदिर की सुरक्षा के लिए अब चारों ओर कैमरे कड़ी निगाह रखेंगे। करियाड़ा के सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ नाग मंदिर के चारों ओर 12 मेगापिक्सल के डिजिटल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नाग मंदिर में लगे इन खुफिया कैमरों की पैनी नजर दूर दूर तक आने वाले प्रत्येक शख्स पर फोकस की गई है। नाग मंदिर प्रबंधक कुलदीप सिंह गुलेरिया ने बताया कि मंदिर सुरक्षा के लिए भवन के चारों ओर 7 सीसीटीवी कैमरे यहां पहले से ही स्थापित किए हुए थे, लेकिन अब यहां और क्षमता बढ़ाते हुए 5 और कैमरे लगाकर सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। इससे न केवल यहां मंदिर में आने जाने वाले तमाम भक्तों व मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद हो जाएगी, बल्कि साथ ही साथ सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी भी रिकॉर्ड में आ जाएगी। जी, आप बताएं कि हमें आपका नाग मंदिर करियाड़ा में जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ये तो यहाँ पर कैमरे जो लगाए हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे। ऐसा है कि अभी लॉकडाउन चल रहा था और हमारा हमारे को सरकारी आदेश भी हुआ है, इसी हिसाब से और तहसीलदार मैडम तहसीलदार उनकी जिम्मेवारी थी, तो यहाँ मंदिर में 12 कैमरे लगे और चप्पे चप्पे सड़क तक चार तरफ ही मतलब इसकी कवरेज है और कैमरे जो है बहुत अच्छी काउंटिंग लगाए हैं। ये मंदिर की सुरक्षा का सवाल है, कोई बाहर का अदूर का यहाँ प्रवेश ना कर सके। तो सर आप बताएंगे मंदिर आपका बंद है या कि आप मंदिर खुला है या जो सर? हम जो है दो टाइम आरती करते हैं, जैसे पूजा पाठ पहले करते हैं आरती करते हैं वो करते हैं, और यात्रियों के लिए तो मंदिर बंद ही है। जैसे सरकारी उसी बताओगे आप जो मंदिर बंद रखा है ना? हाँ, जैसे सरकारी देश लॉकडाउन चल रहा है मंदिर बंद है। बताएंगे मंदिर खोलने की कब तक संभावना के कुछ? ऐसा ये तो सरकार के ऊपर निर्भर है, जब चाहे मतलब आदेश देंगे तो मंदिर खोल देंगे। जब तक ये बीमारी जो कोरोना चल रही है उस तक हम सरकारी आदेशों के ऊपर ही असर करते हैं। बाबा जी बताएंगे कोरोना क्योंकि आप यहाँ जो मंदिर है और यहाँ ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ कुछ भी होती है, तो बताएंगे ये बीमारी जो है वो कब तक चलेगी भला? ये जो बीमारी है यही सवाल हमें SDM साहब ने वहाँ मीटिंग में किया था, तो हमने ये कहा था कि 15 मई के बाद शायद इसका थोड़ा असर कम हो जाए, और ये जो बीमारी है क्लियर जो है वो अगस्त सितंबर में और दिवाली के आसपास जो है हो सकता है देश के लिए खुशी की लहर आए। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करियाड़ा से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट। सदाना डेंटल क्लिनिक एंड कंप्लीट डेंटल इम्प्लांट्स, डॉक्टर आशीष सदाना USA ट्रेंड MDS ओरल एंड मैक्सियोफेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, डिप्लोमेट एंड गोल्ड मेडलिस्ट डूइंग इम्प्लांट फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। सदाना डेंटल क्लिनिक इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक विद लेटेस्ट मशीनरी। डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फिक्स ब्रेसेस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक RCT, पेरियोडोंटिक्स स्पेशलाइज्ड डेंचर्स लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम USA, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।